बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई लोग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल खैरियत से होंगे, लगे क्रम से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की वीडियो का करते हैं स्टार्ट। ये है आपके भाई का न्यू ऑफिस। इसका भी अभी तक आपको टूर नहीं करवाया था, तो मैंने सोचा कि इसकी भी आज एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। और मैं भी निकल रहा हूँ कसूर, आमिर भाई को लेंगे, इजाज़ भाई को लेंगे, और फिर निकलना है लाहौर एक्सपो सेंटर की तरफ। तो सोचा आपको भी साथ लिए चलते हैं। वहाँ पे एक फ्यूचर फेस्ट हो रहा है जो कि 2023 में भी हुआ था, 22 में भी हुआ था, अब 24 का है। तो उसके बारे में मुझे कोई खास पता नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलते हैं। आमिर भाई और इजाज़ भाई पहले भी अटेंड कर चुके हैं ऐसा एक इवेंट, तो उनके पास चलते हैं और पता करते हैं कि क्या चीज़ है, और फिर लाहौर की तरफ निकलेंगे। अभी जी बाईपास पे जा रहा हूँ मैं, और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि नून लीग के झंडे झंडे नज़र आते हैं और फ्लैक्सेस। बाकी किसी पार्टी के कोई झंडे या कोई फ्लैक्स नज़र नहीं आ रही है। है तो वैसे ज़्यादती, लेकिन क्या कहा जा सकता है। लाहौर जाना है एक्सपो सेंटर, और वहाँ पे फ्यूचर फेस्ट है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी आ रही हैं। देखते हैं क्या सीन है। तो सोचा आप लोगों को भी साथ लिए चलते हैं। वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, आ जाए माशाल्लाह नया मोबाइल। हाँ मैं क्या हूँ, थोड़े को 14 प्रो है तो ऐसे भी चलो हिम्मत कर ली। अभी तो अड्डा ही है। कौन सा है ये? कौन सा ये जाने बहार है, ये मेरी जान है। ये पहला प्यार है। एंड्रॉइड ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आईफोन लेके जितना मर्जी बांध लो, एंड्रॉइड वाले नु टक्कर नहीं दे सकते तुसी। सर कैसे हैं सर? आप ना धूप में खड़े हुए हैं, आपका सर कैसा लग रहा है? चेहरा नहीं नजर आ रहा। मैं जरा उस साइड पे आता हूं जी। अब माशाल्लाह इनसे मिलिए। दिस इज आमिर महर, आदर टिकटॉक शेफ। ऐसे और भाई जान कैसे हैं आप? ठीक है। ये पेड कोर्स बेचने वाले आमिर महर हैं, अमेज़न के पेड कोर्सेज बेचते हैं। महंगा कोर्स $3,000 का कोर्स है यार। आपने तो प्रॉमिस किया था आवाम के साथ, बड़ी ऑडियंस के साथ, कि मेरा पेड कोर्स। नहीं, मेरे पास मैसेजेस हैं जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पेड कोर्सेज बेचते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कौन बंदा करवा रहा है मेरे नाम पैसे, पता नहीं किस अकाउंट में जा रहे हैं यार। ये मतलब इनका फ्री कोर्स भी पेड। ये टिकटॉक के अकाउंट भी सेल कर रहे हैं 400 में 4। अकाउंट नंबर चेंज कर लें जिसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो, बाकी सही है। अकाउंट नंबर नीचे मेंशन हो जाएगा, बाकी देख फोन करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड। अभी रुके हैं जी पेट्रोल स्टेशन पे, यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे और फिर आगे का सफर जारी करेंगे। अमीर लोग 20 रुपए एक्स्ट्रा भी देंगे? नहीं 20 रुपए एक्स्ट्रा देने ने मेरे लोग 20 रुपए एक्स्ट्रा काट ले लो 2 मिनट। ड्राइविंग माशाल्लाह जबरदस्त है। लेकिन वो जो है ना वो ना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने गया था मैं, दो टेस्ट होते हैं, नहीं पास हुए।
बात सुनो ना, दो टेस्ट होते हैं, एक गाड़ी चला के देना होता है टेस्ट और एक कंप्यूटर के ऊपर होता है। जी जी। तो मेरी बैड लक के मैं कंप्यूटर वाला टेस्ट ही फेल हो गया। माशाल्लाह। तो अगर आप वो पास हो भी जाते ना तो ड्राइविंग में आपको उन्होंने फेल कर देना था। नहीं, वो मैंने बात कर ली थी भाई। अच्छा, बात हो गई थी, मतलब तुम्हारी भी गल हो गई है। नूनली गाले आंदे ने साडी गल हो गई यार। ये मैं नूनली को सपोर्ट करता हूं इसीलिए गल हो गई। लेकिन बहुत मजे की बात, उन्होंने वीडियो बनाई पीटीआई के, वो उतार रहे थे पोस्टर्स एंड बैनर्स। मुझे बड़े बड़ा बड़ा अच्छा लगा। खुशी हुई कि आप मुखालिफ जरूर हैं लेकिन आप बुरा नहीं चाहते। कोई मसला नहीं, जिसके साथ ज्यादती हो। उस वीडियो के अंदर भी मैंने देखा कि भाई हम सपोर्ट नहीं करते पीटीआई को। बिल्कुल छोड़े, अभी थप्पे हाथों ने आपने आगे से। अभी हम जा रहे हैं जी आमिर भाई के एक दोस्त के घर, उनसे एक मुलाकात थी, उनसे मिलकर निकलेंगे एक्सपो सेंटर की तरफ। आमिर भाई, आप टिकटॉक के बारे में कहते हैं व्यूज वगैरह नहीं लेने चाहिए, तो ये क्या सर्विस है यार? इसमें जो है इसका कोई फायदा नहीं होता इस तरह के व्यूज और फॉलोअर लेने का, क्योंकि जब आप किसी टूल के थ्रू ले लेते हैं तो वो आपके डेड फॉलोअर है। उनके थ्रू आप मोनिटाइज तो करवा सकते हैं अपने चैनल को, लेकिन जब आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज वगैरह नहीं आने तो फिर इस तरह के फॉलोअर और व्यूज लेने का आपको क्या फायदा है? इजाज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट लेवल चेक करें, रक्षा के पीछे लग गया है। मतलब लोग फेसबुक पेजेस पे लगा रहे हैं ये रक्षा, मतलब मुझे सलामी देता हूँ मैं जिसने भी लगाया। वैसे भी उसने 2 मिलियन फॉलोअर लगाए हैं 9000 रुपए में। सर साढ़े हुआ ने 2 मिलियन अगर वो 9000 में दे रहा है तो अपने अकाउंट के इसके कितने होंगे? तो देखिए ना, कुछ कुछ लोग होते हैं इस तरह के मेंटोर बने होते हैं, खुद को जो है ना बहुत बड़ा स्पीकर बोलते हैं। अच्छा, इस तरह के फॉलोवर और व्यूज वगैरह, फॉलोवर और लाइक वगैरह लेके। हाँ, ये तो है। फायदा नहीं है जब तक आप खुद ऑर्गेनिक तरीके से काम नहीं करें। अब आपके फॉलोवर हैं 10,000-20,000, आप कोई पोस्ट करें उसके ऊपर आपके लाइक आ रहे हैं 20-30। बिल्कुल। वो तो हर बंदे को नजर आता है कि भाई इतने फॉलोवर और 20-30 लाइक हैं, तो ये किस तरह आ रहे हैं। ये तो बात इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि भाई सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स के 2-3% तक हमारी जो भी पोस्ट जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 24 है ना, तो मेरे 24,000 फॉलोअर्स तक वो चीज नहीं जाएगी, मुश्किल से 5,000-4,000 तक जाएगी। वैसे अगर वो एंगेज नहीं करता तो वो भी ड्रॉप हो जाएगी। मेरा जेन बन रहा है भाई, मोनेटाइज तो हो जाएगा अकाउंट। अच्छा, नंबर है इसमें, मैं ना रब्ता करना चाह रहा हूँ। आप कीजिएगा रब्ता, फिर आपको बताएंगे। तो यार आप हमसे कोर्स सीख रहे हो, इनसे कर रहे हैं, ये क्या बात है? यहाँ से पेड़ लेने की बजाय आप रेगुलर काम करें, अच्छा कंटेंट डालें। बिल्कुल, अच्छी अच्छी वीडियो डालें ऐसे, तो जो ना फिर व्यूज भी आएंगे। सम टाइम होता ये है कि जब आपके फॉलोअर नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, तो आप दूसरे लोगों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव मार्केटिंग, इस तरह लोगों को टारगेट करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर जो है ना, दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे, तो आपको एक हाइप मिलेगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन उसका बाद में आपको नुकसान जरूर होगा। बिल्कुल। तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है, अच्छा काम करें, पॉजिटिव काम करें। एक्सपो सेंटर के हाल, पार्किंग फुल हो चुकी है। पहले हमें बुलाते हैं और फिर हमें आगे से सुनाते हैं जी पार्किंग फुल, मतलब कि आपकी मैनेजमेंट नहीं अच्छी है, आप लोग ना एक फीचर फेस्ट कराओ। क्या कहना चाहेंगे सर आप? यार हमारे पास कसूर मीटअप पे आया करें, आपको पार्किंग मिलेगी, बिना पैसों के, बिना पैसों के बैठने की जगह भी मिलेगी, आपको अच्छे तरीके से वेलकम भी किया जाएगा। बुरा हाल कर दिया यार इन्होंने, ये सारे फ्यूचर फेस्ट में आए की, सारे फ्यूचर फेस्ट में आए हैं, किसी के पास सबर नहीं है। एक्चुअली अब मजा आ रहा है फ्यूचर फेस्ट में आने के, लड़ाइयां खा रहे देखने को मिल रही है। आमिर भाई आप शरीफ हैं, आप दूर रहिएगा। हाँ, इजाज भाई बदमाश है इनके। यार तो भाई इनको मैं और अल्लाह शरी दे रहा यार, मार दूं। इजाज को देखिए, लोग कहते बदमाश और आप। हाँ, अब इनको कौन बताए, हम अंडर रेटेड बदमाश है। अभी अवाम कहती कोई आता नहीं है यार, ये क्या है? मुझे लगता है सारा लाहौर इधर है। वाओ, ये जी हम तो हमें फ्रूट्स के पास ले आए हैं। फ्रूट्स आपको मुफ्त में मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे यार। वो छोड़े आप मेरी ड्राइविंग चेक करो, ड्राइविंग कमाल होगी। रोल्स रॉयस मॉडल 320, ये इजाज भाई को लेके देनी है हमने। ये मुझे लेके देना। फाइनली पहुंच चुके हैं जी, ये है बिल्डिंग एक्सपो सेंटर की, और अभी यहां पे जाएंगे, देखते हैं क्या माहौल है।
सर आप बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, मुझे मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है। नहीं आपने व्लॉग क्यों स्टार्ट कर, नहीं ये नहीं हो सकता ये भाईजान, मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी आपको यार, मुझे लाओगे तो व्लॉग चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा। इजाज़ भाई पहुँच चुके हैं और आमिर भाई अभी रस्ते में, पता नहीं अब क्या दिखाने लाए हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पहली दफा आया हूँ। ये जनाब पहले भी तो ये पहले भी खजल खवार होते रहे हैं, पता नहीं अब क्या दिखाने लगे। यहाँ पे होता क्या आमिर भाई? आमिर भाई फिजिकल आपके साथ अवेलेबल है, मेंटली का फ्यूचर फेस्ट में होता क्या? अस्सलाम वालेकुम जान भाई, आप बताएं आप यहाँ पे क्या सीखेंगे आज और क्या अभी तक आपको कुछ नजर आया? यार बैक कैमरे से बनाए अभी इंटरव्यू हुए हैं कि यहाँ पे स्पॉटिफाई का स्टॉल लगा हुआ है, बहुत सी मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठी हैं, ये चाहे कौन का तंबू लगा हुआ है। इस दफ़ा उनको टेंट में जगह मिली है, न्यूज़ वालों की भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आमिर भाई ने अपनी शूटिंग स्टार्ट कर ली हुई है, अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, शुक्र कर रहा हूँ कि ये भी व्लॉग की तरफ आ गए। ये यहाँ पे यंगो का स्टॉल लगा हुआ है जो कि आजकल करीम और उबर को बड़ी मार दे रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगा है मुझे इनका, यहाँ पे इन्होंने मछलियाँ रखी हुई हैं जो कि बगैर पानी के मर चुकी हैं, और ये माचिस की तीलियाँ बनाई हुई हैं जो कि जल गई हैं। अभी हम जा रहे हैं जी हॉल के अंदर, यहाँ पे फ्यूचर फेस्ट हो रहा है और अंदर बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं। यार ये बहुत बड़े बड़े पैनल्स लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, हर स्टॉल लगाने वाले ने अपनी कोशिश की है कि अच्छी लुक दे और अपना जो बिज़नेस है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशहूरी की जाए। ये लोग अपना एक रोबोट यहाँ पे चला रहे हैं, ये रोबोट जो इनके हैंड ब्रशर हैं जो पफलट्स हैं वो बांट रहे हैं। ये किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉल है और इन्होंने मैप बनाए हुए हैं, मॉडल्स बनाए हुए हैं। हमें यहाँ पे मिले हमारे कुछ दोस्त जो कि सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक हमारे दोस्त थे, अभी तक मुलाकात कोई खास नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह दे कि हम लोगों को अवेयरनेस दे आई टी भाग के बारे में, जो चीज़ें हम यहाँ पे लेके आए हैं उसमें सबसे मजे की बात मेरे इनमें लता दर्द करनी शुरू हो जा रही है। आमिर भाई ध्यान से गिरना नहीं, ध्यान से पकड़िए, बोल रहे हैं वैसे ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पूरी बातें नहीं किया। अभी हम जी हाल के सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं ताकि आपको ऊपर का मंजर दिखा सकें, यहाँ से पूरा हाल वाज़े नज़र आ रहा है, स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे इंक्वायरीज़ भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर भी हो रहे हैं, लेकिन हम ठहरे वो लोग जो सिर्फ चस्के की गर्ज से आए हैं, तो हम यहाँ पर बनाएंगे सेल्फीज़। ध्यान से जहाज भाई, पीछे इमरजेंसी एग्जिट है। नहीं नहीं अब एग्जिट नहीं हूँ।
फोटो शूट हो चुका है, ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? पता गिरा देना यार, नहीं अल्लाह खैर करेगा। ये बड़ी बड़ी हैवी फोटोग्राफी कर रहे हैं यार। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। ये लकड़ी के बनाए हुए बर्तन हैं यहाँ पे, ये कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं इन्होंने। ये भाई साहब ने लैपटॉप रखे हुए हैं बहुत ही आला किस्म के। मुझे पर्सनली ये वाला जो स्टॉल था वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये कील और धागे के साथ सारे नाम लिखे हुए हैं। जाल तो इनसे पूछे सलाजीत है। क्या हो गया? अभी हम आ चुके हैं जी गेमिंग वाले पोर्शन में। यहाँ पे गेम्स के स्टॉल जो हैं वो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं पबजी के यहाँ पे करेक्टर इन्होंने बना के लगाए हुए हैं, और लोग जो हैं वो इनके जो हैंडल्स हैं जिनसे गेम को खेला जाता है, और LCDs को टेस्ट कर रहे हैं कि आया के कैसा काम करते हैं ये। अभी हम आ चुके हैं अख़ुवत के स्टॉल पे, बहुत ही प्यारा स्लोगन है इनका जो इन्होंने यहाँ पे लिख छोड़ा है, और नीचे अख़ुवत यूनिवर्सिटी की इमेज बनी हुई है। एजाज भाई और आमिर भाई यहाँ पे बैठ गए हैं, और इनसे कन्वर्सेशन चलेगी कि किस हिसाब से ये बच्चों को फ्री तालीम के हवाले से चला रहे हैं अख़ुवत की जो यूनिवर्सिटी है या इनका जितना भी एजुकेशनल सिस्टम है। अभी हम पहुँच चुके हैं बैंक इस्लामिक के स्टॉल पे, और आमिर भाई लोग इनसे भी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये है जी इलेक्ट्रिक बाइक्स का स्टॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कोई बड़ी पॉपुलर कंपनी नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने आज पहली दफ़ा इसका नाम सुना है इलेक्ट्रा, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल बाइक है जी। क्या पूछें? रेंट पे मिल जाएगी? रेंट पे? अच्छा पूछते हैं। ये बाइक्स के साथ इन्होंने एक इलेक्ट्रिक साइकिल भी रखी हुई है बच्चों के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कोई देखे ना देखे, शबीर तो शबीर तो देखेगा। हाल में से निकल के हम कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं हमारे जिनसे मेरी मुलाकात हो गई। रेड कारपेट से होते हुए हम पहुँच गए हॉल के अंदर, और यहाँ पे मुख्तलिफ स्पीकर्स हैं जो कि हमारे कंट्री के नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्री आए हैं, तो उनकी स्पीचेस हैं वो सुनते हैं, देखते हैं क्या सीन है। Yeah, so quite recently there was a huge scam on crypto markets. $12 billion. $12 billion Ponzi scheme. You know what the Ponzi is? It's a few decades ago, and about 50-60 years ago. Okay. Are we going to pay it now? Okay. Thank you so much, Pekka. That was fantastic. So we know that Alison had a video that she wanted to play in our previous session. And so we're going to play that now. And then we'll move on to the next speaker. So, Pakistan, how are you guys doing? Alhamdulillah. All right. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal.
और अदा। सो स्पीच के दौरान ही हमारी मुलाकात हो गई है इस छोटे से नन्हे से फ्रीलांसर के साथ। इनका नाम है रेहान मंजर और इनका जो मिशन है उसके बारे में पूछते हैं इनसे। मेरा विजन है 2025 के 2025 तक पाकिस्तान के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स के बारे में ताकि वो अपनी स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग स्टार्ट कर सकें। जब ये माशाल्लाह 2-2.5 साल बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे। बाहर निकले हैं तो चाय कौन पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है और 200 रुपया इसकी टिकट भी है। पता नहीं लोग इधर क्या लेने जा रहे हैं। ला दे चश्मा। ये नहीं चश्मा ला सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस आप? तबीयत ठीक है। इधर ध्यान ना तुम्हें मिलना पैना है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? तबीयत ठीक है। नहीं मैं इधर से आता हूँ। हाँ आप ठीक आ रहे हैं? इधर से फ्री हो गए, वापस निकलेंगे। भाई हमारे लोगों की और इजाज़ की एक दो मीटिंग्स हैं, एक दो बंदों को मिलने हैं, उधर जाएंगे, उसके बाद फ्री के इंशाल्लाह घर की तरफ निकलेंगे। यहाँ से फ्री हो गए और यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ है? वैसे लिटरली मुझे यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ है, यहाँ पे क्या हमने सीखा है, इसका नया व्लॉग आएगा और उसमें प्रॉपर इसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या क्या हमने सीखा और क्या क्या यहाँ पे बेहतर होने की जरूरत है। क्या ख्याल है भाई? बहुत कुछ ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है और सीखा भी है कुछ, जो जो कुछ सीखा है वो भी बताएंगे। इसमें फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, क्यों बोली जा रही है, कुल बांधी जा रही है? नहीं कुछ 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 ऑनेस्ट रिव्यू मुझसे लें, कुछ कुछ अच्छा ऊपर वाला रिव्यू इनसे लें। एक चीज सबसे अच्छी थी कि आमिर भाई और इजाज़ भाई मेरे साथ थे। आमिर भाई ने कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं लेके दिया। ये हैं पेन, ये खा के गुजारा कर लें। आमिर भाई ने कुछ नहीं लेके देना आपको खाना। आपने भी मेरा दिल कर रहा है मैं ये अमर साहब के ठोकूं ऐसे। ये लें, ले लें, ओ मतलब खा लें। बेवफा बंदा शीशा, आप देख ले कितनी देर से कितनी जल्दी खोला इसने है? ये देख के जल्दी खोला है। वैसे नहीं खोला, साफ करने वाले थे। साफ नहीं सर, आप साफ करके देंगे ना हमें? वो मैं आपको देता हूँ, मैं जाल को खुद खिलाऊंगा। अभी साफ करके दे। जाल किधर जाना है यार? सीधा जाना है यार। सीधा किधर है? इधर गए तो वो खंबे च नहीं है इनू जा मामा, खंबे च मार मार दे, खंबे च मार दे यार। यार देखे देखे आप लोग तो कमा रहे हैं यार, मैं शादीशुदा बंदा हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, उनकी फिक्र कर लें सर। आपकी मेहर कमा रहे थोड़ी मरना चाहिए। आपको आपको किसने बोला जान तुम्हारा है? मैं तो फाइनली फ्रेंड्स उधर से निकले थे और आमिर भाई की एक दो मीटिंग्स थी, वहाँ गए हैं। तो अभी हम वापस पहुँच चुके हैं कसूर अल हबीब चपली कबाब वालों के पास। यहाँ से खाना शाना खाएंगे और फिर निकलेंगे। ले आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके जैसे ड्राइवर हों तो सफर बड़ा आसान हो जाता है। ऐसी है ना जी? ऐसी है। माशाल्लाह, ये क्या कर दिया आपने? ये इसका इलाज करना पड़ेगा सर। इनकी बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया सर। आप उस्ताद हैं, लोग सिखाने हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो लट है ना, इसको जरा सेट करें। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। लटक रही है यार, आपको लड़कियों के हिसाब आते रहते हैं। चलो चले, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह निगेबान। यहाँ से गाड़ी भी चेंज हो गई है और अब ड्राइवर भी चेंज हो जाएगा। बैठे इजाज़ भाई, यहाँ से हमारी राम प्यारी, हमारी मेहरू।